नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। चलिए, अब दौरा शाम हो चुका है, दौरा अब खत्म होने जा रहा है और हम अभी दक्षिण कुजूर के अंबाबिगा गांव में इंड कर रहे हैं, जहां पर जो है बहुत सारे लोग शांति से बैठे हैं ठंडी हवाओं के बीच, पेड़ों के बीच। गांव में इसी ढंग से बैठा जाता है और बातें की जाती है, राजनीति पे, विकास पे, देश पे, इन सारे चीज़ों पर। तो कुछ लोग बैठे हैं, चलिए अब हम लोग से बूढ़े बाबा से शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं और चलते हैं। अब इस हमरा नहीं बोलो, नहीं कही बोल, थोड़ा सा बता, नहीं हमने बोलो, एकदम मत दूर जाइए, थोड़ा सा नहीं हम बोल रहे, कुछ बोलिए ना, कुछ विकास से बोल दीजिए, कितना हुआ है? विकास से ना कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, जरा सा भी नहीं, नहीं जरा सा भी नहीं, कोई काम नहीं होता है, कोई काम नहीं होता, कोई काम नहीं। मुखिया जी कोई काम नहीं करते? कोई काम नहीं, हम लोग जो है वो भी कोई काम नहीं, तो आप कुछ नहीं, तो नजारा थे तो भेटो नहीं देते हैं, तो 5 साल में भेट भी नहीं, भेटो नहीं, हम तो देखभ करते हैं, को दिन चेहरा याद है, कुछ याद नहीं कि कौन जिला परिषद हमारा है। चलिए, इनको चेहरा भी याद भूल गए 5 साल में कि कौन जिनका जिला परिषद है, ये भी भूल गए, गांव भी भूल गए, अब आगे मत भूलिएगा, घर भी जाना है। चलिए, अब आगे हम चर्चा करते हैं। युवा गांव के युवा हैं, इनको उम्मीद होता है कि विकास हो तो अब इन लोग कुछ काम करें, उद्योग मिले, व्यापार हो, ये सारा चीज, आर्थिक तंगी दूर हो। क्या कहना चाहते हो अपने पंचायत, अपने प्रखंड को लेके? कहना यही चाहते हैं कि लोग गांव में विकास चाहते हैं, विकास के लिए गांव की नली, गली, सोलिंग, ये सब होना चाहिए, विकास ये सब होता नहीं है। लोग चाहता है, उम्मीद लगा कि जिला परिषद जिताए, जिताने के बाद काम करेंगे, लेकिन करते नहीं है लोग। लेकिन हम लोग उम्मीद लगाए हैं कि नैना कुमारी को इस बार जिला परिषद में चुनने के बाद अगर काम करते हैं तो अच्छा बात है, नहीं करते हैं फिर वो भी अगले साल हटे जाएंगे, और क्या मतलब। इस आशा के साथ आपने इस बार के साथ विश्वास के साथ लगे हुए हैं कि विकास होना चाहिए, जीत होने के बाद विकास होना चाहिए और होगा। चलिए, जीत होना चाहिए, जीत के बाद विकास होना चाहिए, नहीं तो फिर इनको भी बदलने की बात आएगी। खुद बैठे हैं प्रतिनिधि साहब, उनसे भी हम बोलते हैं, युवा ने कहा कि विकास होना चाहिए, नहीं तो बदलाव जरूरी है। बिल्कुल, इनका कहना बिल्कुल उचित बात है, विकास होना चाहिए और विकास पर ही वोट मिलना चाहिए। कितना दम भरते हैं? हम तो इन लोगों के विश्वास पर खड़े उतरने का पूर्ण विश्वास दिलाते हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि इन लोगों का विश्वास पे एकदम बिल्कुल खड़े उतरे। चलिए, लगातार आज दिन भर आप दौरा किए, हम भी आपके साथ दौरा कर रहे थे, क्या लगा, कैसा संयोग मिला, कैसा सहयोग मिला, कैसा प्रेम मिला, कैसा स्नेह मिला? सहयोग तो बहुत अच्छा मिल रहा है, लोग मुझे जो है उत्साहित कर रहे हैं, या पुनः जो है आए हैं मैदान में, हम लोग आपको इस बार जिता कर गया में भेजेंगे और ये लोग आगे का भविष्य देख रहे हैं। मोहड़ा में बहुत पिछड़ा जगह है, आप देखते हैं प्रकृति के कितना सुंदर गोद में बसा हुआ ये है, पहाड़ी है, यहाँ भगवान बुद्ध का भी जगह रहा है, हमारे के यहाँ सबसे बड़ा है बाबा दशरथ मांझी जो हैं कर्मठ व्यक्ति थे, उन्होंने 20 साल लगातार पहाड़ को खोद कर रास्ता बनाए हैं। तो मोहड़ा की धरती पे मेहनती लोग काफ़ी हैं, लेकिन लोग इन्हें ठग देते हैं और इन लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं, विकास से वंचित ये रह रहे हैं पिछले कई वर्षों से। इस बार तो ठगेंगे नहीं, नहीं इस बार नहीं ठगाएंगे, इन लोगों की सारी उम्मीदें पूरी हो जाएगी। चलिए, इस बार इन लोगों की सारी उम्मीदें पूरी हो जाएगी। इस गांव के कुछ युवा खड़ा है, उनसे बोलते हैं, पूछते हैं, क्या कहिएगा मुस्कुरा के? हम लोग तो चाह रहे हैं कि विकास के लिए कुछ, हम लोग के नली गाँव में नहीं है, हम लोग का और कुछ के लिए बहुत दिक्कत होता है। उम्मीद लगाए हैं? हाँ, उम्मीद लगाए हैं कि सरदार जी यदि जो बना दें तब इनको हम लोग देने के लिए एकदम साक्षात वोट हैं। पर अभी तो, अब तो चुनाव के बाद ही ना विकास कर पाएंगे। हाँ, तो हम लोग वोट देंगे तब ना विकास करेंगे, हाँ, जीते ना करेंगे तो वोट देंगे तब ही विकास करेंगे, उसके पहले विकास। सही बात है, अधिसूचना जारी हो गई है, आचार संहिता लग चुका है, अब जो भी होना है चुनाव के बाद होना है, तो इसलिए चुनाव के बाद युवा का कहना है कि चुनाव के बाद हम लोग वोट देंगे, इनको जिताएंगे, जिता के बाद इनसे कह के लेंगे, पूछ के लेंगे, बोल के लेंगे कि मुझे नली चाहिए, गली चाहिए, सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, सोलर प्लेट चाहिए और विकास चाहिए। कुछ और लोग हैं, बच्चे लोग हैं, कुछ कहोगे? सब भाग रहा है, सब भाग रहा है, 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 देखिए सब भाग रहा है, बच्चे हैं, भागेंगे ही। बाबा हैं जी सर, गंभीर बात जी सर, क्या लगता है जाति धर्म विकास इसमें कौन महत्वपूर्ण है? बड़ी सबसे बड़ी बात हुई विकास चाहिए, विकास जी जी जी, जो जिला परिषद हमारे बगले के आदमी हैं लेकिन
कर नहीं पूछ पाए, कुछ नदारत फेल हो गए जी। नैना कुमारी को पास करेंगे फेल करेंगे? नहीं, अगर सरदार जी वर्क कर रहे हैं तो इन पर तो भरोसा है, विश्वास दिलाते हैं और भरोसा है कि अवश्य करेंगे। ये आदमी वैसा है, लेकिन सरकार यदि हुजूर जनता के मूवमेंट हो जाए, और हो रहा है सर, हो रहा है हमारे गांव में तो हो ही रहा है, हो चुका है जी, मनसब बन चुका है, मनसब बना चुका है, बदलाव के लिए। हाँ, इनको इनको एक अवश्य जिता देंगे, अवश्य जिता देंगे। चलिए, बदलाव के लिए मनसब बना चुके हैं। कुछ बाबा हैं जो धीरे धीरे घसक रहे हैं, थोड़ा हम उन तक करीब करीब पहुंच जाते हैं और बतिया लेते हैं क्यों पलट रहे हैं। थोड़ा सा इधर भी ध्यान दीजिए, आइए ना, कुछ हम भी गुफ्तगू कर ले। अरे थोड़ा सा गुफ्तगू कर ले, थोड़ा सा नहीं करेंगे, आप भी चले जाइएगा, गुफ्तगू करिए। अरे बहाना क्यों मारते हैं, आइए ना, युवा हैं, काहे घबराते हैं? जब जब डाल दिए ओखली में सर, तो फिर चिंता किस बात का है? जिताना किसको ही बताइए, हमको इनको सरदार जी जिताना है। किनको? सरदार जी को। क्या? सरदार जी को जिताना है। अच्छा, तो सरदार जी तो खड़े नहीं है, मैडम खड़ी है, उन्हें भी जाना, मैडम को जिताना है। नैना कुमारी, चलिए, हमारा कान आवाज नहीं पहुंच रहा था। अब बोलिए कैसा विकास चाहते हैं? विकास बढ़िया, इनको इनको बढ़िया विकास इनको है, इनका विकास तो बढ़िया है। आप अपना विकास बताइए कितना चाहिए हमको, इनका हिसाब से बढ़िया है, सबसे बढ़िया हमको इनके कैंडिडेट बढ़िया है, यही कैंडिडेट इन्हीं को जिताना है। चलिए, यही कैंडिडेट बढ़िया है, इन्हीं को जिताना है। इन सारे चीजों के साथ कुछ लोग थे जिनके साथ हम अभी चर्चा और परचर्चा कर रहे थे, क्योंकि शाम का समय था और हम लोग बैठ के चर्चा और परचर्चा कर रहे हैं इनसे, और जानना चाह रहे हैं। एक बहुत गुमसुम बैठे हैं, बहुत गंभीर बैठे हुए, क्या बात हो गया, कुछ हो गया क्या? नहीं कुछ हो गया, कुछ कैमरा ऑन है, माइक पकड़े हुए हैं, हम मुस्कुराए हैं, हम कुछ बोले काहे नहीं बोलिए, अरे कुछ बोल दीजिए, चुनाव का समय है, अभी नेता बनने का समय होता है, जिताना है हम लोग को, आओ के नैना कुमारी जिताना है, काहे काम विकास का काम करेंगे, विकास का काम करेंगे, इसलिए। चलिए, ये अच्छी बात है कि उनको जिताना है जो विकास का काम करेंगे। वर्तमान से खुश नहीं? खुशी है, वर्तमान से भी खुश है, नहीं इनसे खुशी है कि इनसे खुश है, वर्तमान से पहचानते भी नहीं है, बड़ा चुप 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 बोलते हैं भाई, कुछ कहिएगा। हाँ। कह दीजिए, मुस्कुरा तो अच्छा रहे, मुछवो अच्छा रख ले तो बोलने में क्या जाता है, गांव के लोग तो नहीं कमजोर है जो बोलता नहीं है, बोलिए क्या कहिएगा, हथियार है मेरा, आप छोड़ दीजिए। सबसे पहले तो मैं मोहरा प्रखंड के सभी युवा और भाई और बहनों को मैं नमस्कार करना चाहता हूँ, और सभी से यही दरखास्त करता हूं कि नैना देवी को जिताएं, बढ़िया कैंडिडेट है और विकास भी करेंगे, और तो हम कुछ ज्यादा कहना है। हाँ, चलिए, ये आश्वासन है, युवाओं को भी उम्मीद है, बूढ़ों बुजुर्गों को भी उम्मीद है, और महिलाएं भी, जहाँ जहाँ हम बात किए, आप अभी रिकॉर्डिंग जब हमने किया है और जब हम न्यूज में चलेगा तो आप देखेंगे, महिलाएं भी बोल रही हैं, ठीक, कि ये वर्तमान से जो है हम लोग नाखुश नहीं है, इसलिए बदलना चाहते हैं, और बदलने के तौर पर जो है अभी हम राजेश सरदार जी को, जो नैना कुमारी प्रत्याशी हैं, उनको हम जिताने का काम करेंगे, चूंकि जो जो वर्तमान के द्वारा कोई कार्य नहीं किया, और इनसे आशा, इनसे उम्मीद है, और इनके सामने लड़े भी हैं महिलाओं ने, वाक टू वाक में बात भी किए हैं कि आप तय करिए और आप जिताने का काम करिए, और तब ये जो है आश्वस्त हुए हैं, लोग इनको खड़ा भी किए हैं, ये जीतने की बात भी कर रहे हैं, जीत के आएंगे तो फिर आगे की बातें करेंगे। चलिए, अब लास्ट आपसे बात कर रहे हैं, सर, थोड़ा गंभीर बातें करते हैं। देखिए, पंचायत चुनाव है और सारा कुछ तय होता है गांव से ही, राज्य की भी राजनीति और देश की भी राजनीति, मानते हैं इस बात को जी। तो इस बार राज्य की जो पंचायत की जो राजनीति है या प्रखंड की राजनीति है, किस ओर जा रही है, जाति की ओर, धर्म की ओर, विकास की ओर? विकास की ओर जा रहे हैं, विकास की ओर। पूरे हम क्षेत्र में दौड़ा कर रहे थे जी, और पूरा एक चक्कर हम लगा चुके हैं, पूरे हर जगह विकास की बात करते हैं, जाति धर्म से हटकर विकास की बात करते हैं सब लोग, यानी कि लोग अब विकास पसंद कर रहे हैं। हाँ, जाति धर्म, हाँ, हाँ, हम चर्च भी करते हैं, हम अकेले दौड़ा कर रहे थे, हम एक प्रत्याशी नैना कुमारी को ला रहे हैं, आप लोग क्या कहते हैं, उससे विश्वास विकास का आशा है, हमारे लोग जो हैं उन लोग हम पर भी विश्वास करते हैं, उन्होंने कहा कि ठीक है नेताजी, उम्मीदवार बढ़िया है तो उसको लाइए, ताकि हम लोग विकास से तो वंचित रह जाते हैं, इसलिए अपना ही कैंडिडेट रहेगा जो विकास करे उसी को लाइए। कैसे विकास करेंगे, 5 साल तो काफी पीछे चला गया। 5 साल पीछे चल गया तो मैंने राजेश जी हैं, हमारे छोट भाई हैं, ये तेजराज हैं,
आपको डीएम से, डीडीसी से, डिस्ट्रिक्ट से मैंने दौड़ा करके फंड को लावेंगे क्षेत्र में और क्षेत्र के विकास करेंगे। मतलब हर हालत में विकास करने के लिए जो भी माध्यम उपयोग करना पड़ेगा ये करेंगे और ये करके इस प्रखंड में जो है पंचायत विकास करने का काम करेंगे। सारे चीज़ों के साथ जनता के हाथ में है, जनता तय करती है कौन जीतेंगे कौन हारेंगे, और यदि जनता जीतती है तो जनता इन्हें जिताती है तो फिर ये तय है कि ये अपने आश्वासन इनके अपने दावे वादे पेश हो रहा है कि हम हर हालत में जो है हम विकास करने का काम करेंगे। हमको इतने कहना है कि इतना मेरा हथियार है, छोड़िए ना, अब बोलिए। हमको इतने कहना है कलू भैया कितना भी विकास काम किए जिला परिषद से, समझे, वो आज तक को विकास काम नहीं किए। हम सरदार जी के वोटिंग है, अब सरदार जी को वोट देंगे, समझे, कुछ तन के बस्तर बिक जाए कहा नहीं, लेकिन हम वोट देंगे इनको सरदार जी के। चलिए अब ये सारी बातें आपने सुन लिया और सब समझ लिए और ये तय हो गया कि मतलब कौन जीतेंगे कौन आएंगे, और ये हम सरदार जी के हैं ये लाइन भी अब सामने आने लगा है। तो चुनाव तय करेगा, चुनाव के बाद मतगणना के बाद जो है तय होगा। और लेकिन यहाँ जितना दूर तक हम लोग घूमे हैं सारा चीज़ें देखे हैं, इससे आश्वासन और विश्वास जो है जनता इनके प्रति कर रही है। इनको भी जो है जनता को अपना आश्वासन, अपना विश्वास, अपने दावे और वादे देना होगा, आश्वस्त करना होगा कि यदि ये जीत के आते हैं तो विकास की जो भी योजना सरकार की होगी उसको जमीन पर उतारेंगे, उसको धरातल पर उतारेंगे और हर हालत में संभव करके उसे पूरा करने का काम करेंगे। आप देखें नेशन 24, नमस्कार।